स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों हमारी गेम बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और आप लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी मैं उनको हेल्प करके उनकी प्रॉब्लम मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। हर रोज़ रात को मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एनी डेस्क अपने पीसी में इंस्टॉल करके रखिएगा और मुझे इंस्टा पर उसकी आईडी बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि आप मुझे अटैच करके अपनी स्क्रिप्ट भेजिएगा। अगर स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत एरर होगी तो वो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा तो सॉल्व हो जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे आपकी स्क्रीन देखने की ज़रूरत है और आप प्ले करके मुझे बताइए कि क्या एरर आ रही है तो एनी डेस्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा कि ये आपकी आईडी है। और रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच का मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप ऑनलाइन रहिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अब दोस्तों हम जो करने वाले हैं मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर मैंने जो हमारी गेम पहले से ही बनी हुई थी तो चलिए मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूं। तो बेसिकली हमारी गेम कुछ इस प्रकार बनने वाली है। यहां पर जैसे ही मैं फायर करता हूं यहां पे टकराने पर कुछ इफेक्ट होगी और यहां पे टकराने पर कुछ इफेक्ट होगी। तो मैंने फायर किया, ये देखिए, तो जैसे ही ये इसके साथ टकराता है तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। तो यही इफेक्ट हमें अपनी गेम के अंदर देनी है और बाकी का ये सब कुछ जो है वो हम एक एक करके करते जाएंगे। देखिए देखने में आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि यहाँ पे टाइमर आ रहा है। देखिए टाइमर के 10 सेकंड जाने के बाद या 5 सेकंड जाने के बाद यहाँ पे एक मोर टाइम का ऑप्शन आ जाता है जिसके ऊपर क्लिक करने पर एक वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के बाद यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। ये सब कुछ हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ होगा। आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये मुश्किल है नहीं, बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से हमने अब तक गेम बनाई है, ये देखिए यहाँ से कॉइन निकल के इसके अंदर भी जा रहे हैं। तो या अब तक जो हमने गेम बनाई है आपको क्या मुश्किल लगी? नहीं ना। तो ये सब कुछ भी मुश्किल लगने वाला नहीं है, आप आसानी से ये सब कुछ कर सकोगे। बस जो मैं आपको बताऊं उसे ध्यान से आप सीखते रहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रीफेब वाले फोल्डर पे आ जाना है और जो बैंड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इफेक्ट के अंदर जाना है और पार्टिकल सिस्टम इसके अंदर ऐड करना है। अब ये देखिए पार्टिकल सिस्टम यहां पर ऐड हो चुकी है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये आपको दिखाई दे रही है कि यहां पर एक छोटा सा गोल आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्कल, वहां से ये सब पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं। तो पार्टिकल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में या पिछली गेम में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पार्टिकल सिस्टम को यहां से आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहां पे पहले सेट कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको ये स्क्रीन बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि मेरा और आपका दोनों का समय बच जाए। जब तक मैं इसे सेट कर लेता हूं तब तक आप छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। तो चलिए इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है आपको दिखा देता हूं। पार्टिकल सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है आपको और यहां पर आपको एक कर देना है और ये जो लूपिंग है उसको आपको अनचेक कर देना है। हमें लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक ही बारी से प्ले करेंगे। और यहां पर मैंने क्या किया है, ये स्टार्ट लाइट टाइम जो है मैंने यहां पे 0.3 किया है और यहां पर 1 किया है। आपको इस तरीके से पहले दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 1, तो आपको क्या करना है यहां से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर आपको 0.3 और 0.1 कर देना है। स्पीड जो है वो 2 करनी है। उसी तरीके से यहां से आपको एक कांस्टेंट है उसकी जगह आपको रैंडम बिटवीन 2 कांस्टेंट आपको ले लेना है और आपको कर देना है उसके अंदर 0.3 और 0.1। अब दोस्तों यहां पर मैंने कलर 2 लिए हैं, उसका अल्फा मैंने हाफ तकरीबन यहां पे हाफ करके रखा है। एक मैंने थोड़ा ग्रेइस लिया है और एक जो है मैंने थोड़ा ब्लूइस लिया है और उसका अल्फा मैंने यहां तक सेट करके रखा है। यहां पे आपको लोकल करना है, यहां पे इसकी जो ग्रेविटी है आपको 1 करनी है और बाकी सब आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में आपको आ जाना है यहां पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यह प्लस वाली साइन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में जो टाइम है उसको 0-0 कर दीजिए। यहां पे कितने पार्टिकल आप गिराना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं 35 पार्टिकल गिराना चाहता हूं तो यहां पे मैं 35 लिख देता हूं। और कितनी बार ये प्रोसेस चलनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही बार चलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैंने
साइकिल के ऊपर एक लिख दिया है और बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और शेप के अंदर आ जाइए, शेप के अंदर आपको यहाँ पे जो कोन है उसको आपको सर्कल कर देना है और साइज 1:1 ही रहने देनी है और उसके बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको चेक मार्क कर लीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर फिक्स कलर भी ले सकते हैं और ब्लेंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लेंड लिया है और ऊपर वाले को यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसका जो अल्फा है वो यहाँ से 255 की बजाय मैंने कर दिया 0। और टेक्सचर के अंदर आपको एक सीखने वाली बात है, यहाँ पर आपको ग्रीड होगा, ग्रीड की जगह पे आपको स्प्राइट सिलेक्ट करना है और स्प्राइट के अंदर आपको जाके इस डॉट के ऊपर क्लिक करके आप इसमें से कोई सी भी स्प्राइट ले सकते हो। मान लीजिए ये स्टार अगर आप रखना चाहें तो स्टार रख सकते हैं। मैं ये ट्रेल बॉल यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैंने ये जो एक स्प्राइट है मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब रेंडर के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये सब कुछ आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो मैं एक बार स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बैंड के ऊपर वापस क्लिक करना है और ये जो स्क्रिप्ट है बैंड बिहेवियर इसे ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो में। अब इसके अंदर यहां पर हम एक पार्टिकल सिस्टम लेंगे, पार्टिकल सिस्टम और उसका नाम हम देंगे पार्टिकल। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक मैसेज बना लेना है, ऑन कोलाइजन एंटर 2D। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर टेक करवाना है। कंपेयर टेक किस तरीके से करवाते हैं, मैंने पहले भी मैंने आपको बताया है कई बार। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोलाइजन, उसके बाद में लिखना है गेम ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लिखना है कंपेयर टेक और ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है बॉल। अब ये बॉल कहाँ से आएगी, ये जो हमने प्रीफेब बनाया था उसके अंदर बॉल के अंदर हमने यहाँ पर बॉल नाम का टैग दे के रखा था। अब आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट को रूटीन और स्टार्ट पार्टिकल। तो पार्टिकल आपको यहाँ पे अभी ये मैसेज हमने बनाया नहीं है तो इसलिए आपको एरर दिखाई दे रही होगी, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे enumerator और उसके बाद में इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट और ये। अब जब तक इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं देंगे इसके अंदर एरर रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पार्टिकल डॉट प्ले। अब आपको रिटर्न यहाँ पे देना है, रिटर्न देने के लिए आपको लिखना है यील्ड रिटर्न और न्यू, फिर यहाँ पे लिखना है वेट फॉर सेकेंड्स। अब यहां पे आपको समझने वाली बात है कि आपको उसको कितनी सेकंड आपको इंतजार करवाना है। तो यहां पे आपको लिखना है पार्टिकल डॉट मेन डॉट स्टार्ट लाइफ टाइम डॉट डॉट कॉन्स्टेंट मैक्स, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लाइफ टाइम होगी वो बाय डिफॉल्ट यहां से वो सेट कर लेगा और वो रिटर्न करेगा उतनी सेकंड के बाद में। अब इसके बाद में हमें क्या कर देंगे, इसके सिंपली पार्टिकल को यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, पार्टिकल डॉट स्टॉप। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल हमने दिया है उसे हमें या तो सीरियलाइज फील्ड देना पड़ेगा या फिर पब्लिक देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे पब्लिक दे देता हूँ और अब चलते हैं यूनिटी पर। यूनिटी पर आने के बाद प्रीफेब के अंदर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो बैंड बिहेवियर स्क्रिप्ट है उसके अंदर यहाँ पर एक पार्टिकल नाम का स्लॉट आ गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करके इसी को इसके अंदर डालना है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पार्टिकल सेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों कि कभी कभार क्या होगा कि इसी का आप डुप्लीकेट बनाओगे और ये जो अभी व्हाइट बैंड है कल को अगर ये रेड बैंड भी हो सकता है, येलो बैंड भी हो सकता है और ब्लू बैंड भी हो सकता है, तो हर एक बैंड का बिहेवियर अलग अलग रहेगा। तो होगा क्या कि ये आपको हर बार जाके ये इसके अंदर डालना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रीफेब का कोई चाइल्ड प्रीफेब बनाओ। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा,
इसके लिए आपको चलना है वापस यहाँ पर, इसको यहाँ से पब्लिक हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिखने से हमें ये मिल जाता है पार्टिकल, तो फिर हमें वो सब कुछ करने की क्या जरूरत है कि यहाँ से इसको स्लॉट में डाले ये सब कुछ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है पार्टिकल इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, और अब आपको करना है पार्टिकल सिस्टम, यानी कि पीएस लिखेंगे तो पार्टिकल सिस्टम आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप समझिए, गेट कंपोनेंट मतलब के ये जो बैंड है उसका खुद का कुछ कंपोनेंट होता है। जैसे कि क्या कंपोनेंट होता है कि ये हमने बॉक्स कोलाइडर ऐड किया था तो ये इसका कंपोनेंट है, या फिर इसकी स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ऐड की है तो ये इसका कंपोनेंट है। लेकिन इसके अंदर हमने यहाँ पे एज ए चाइल्ड पार्टिकल सिस्टम हमने ऐड की है, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इसका चाइल्ड है, और ये पेरेंट है ये चाइल्ड है। तो चाइल्ड के अंदर से हमें पार्टिकल सिस्टम चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा कि जो चाइल्ड है उसके अंदर जो कुछ भी आपने कंपोनेंट ऐड करके रखे होंगे वो आप यहां से गेट करवा सकते हैं। तो अब पार्टिकल हमने गेट करवा लिया यहां से, तो इस फाइल को मैं यहां पे सेव कर लेता हूं और चलता हूं वापस यूनिटी पर। अब इसको मैं यहां से प्ले करके दिखाता हूं, ये देखिए ये बॉल इसके साथ टकराई तो यहां पर एक पार्टिकल इफेक्ट सामने आई, आपने देखी बड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्ले हुई थी। एक काम करते हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीन चार बैंड के साथ वो टकरा के जाना चाहिए ऐसा हम कुछ सेटअप कर लेते। तो यहाँ से अगर सूट हो रहा है तो पहले 33 पे एक बैंड सेट करते, उसके बाद में 31 पे करेंगे, और उसके बाद में 17 पे, फिर 15 और फिर 29, इस तरीके से हम सेट करते, ठीक है। तो 33, 31, 17, 15 और 29। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करके ये वाली स्क्रिप्ट के ऊपर हमें चले जाना है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमने ये सब सेट करके रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 33, यहाँ पे लिखूंगा 31, यहाँ पे लिखूंगा 17 और यहाँ पे लिखूंगा 15 और यहाँ पे लिखूंगा 29। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने 29 यहाँ पे लास्ट में लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ से 15 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा ये नंबर आप रेंडमली किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको याद रहे। तो मैंने ये नंबर यहाँ पे सेट कर दिए। अब वापिस चलते हैं यूनिटी पर, इस बार इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज कर देता हूं। अच्छा दोस्तों एक बात मैंने देखी है कि कई लोग क्या करते हैं, प्ले जब करते हैं तो डायरेक्टली प्ले मैक्सिमाइज ही कर देते सीधा, तो उससे क्या होगा कि इसके बाहर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा, ये स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वही आपको पता चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी प्ले करो गेम तो ये वाली विंडो ओपन होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि सीन के अंदर और क्या क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ से आपने बॉल शूट कर दी, बॉल ऊपर चली गई फिर कहाँ चली गई आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये विंडो ओपन करके रखी होगी तो आपको पता होगा कि बॉल यहाँ पर आई है और इसके साथ टकराई है। तो चलिए अब इसे मैं प्ले करता हूँ, फिलहाल मैं इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। अब इसको इस तरफ में भेजूंगा, इसको इस तरफ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, ये देखिए फिर से एक बार प्ले करते हैं। ये देखिए यहां से बॉल शूट होगी, ये देखिए बढ़िया सी पार्टिकल इफेक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारा आधा काम यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर साउंड भी डालना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने यहां पे एक काम करके रखा था ना, यहां पर हमने क्या किया कि बॉल के साथ टकराने पर ये कोरूटीन हम स्टार्ट करवा रहे हैं, तो हम क्या करवाएंगे, ये भी करवाएंगे कि ये यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ अलग अलग हम बना रहे हैं। अगर चाहता तो सीधा सीधा ये वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकता था, लेकिन मैंने अलग से इसका फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं।
तो अब तक तो हमने ये सब कुछ बना लिया है, अब आगे इसके अंदर क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। आगे इसके अंदर हम ये सब कुछ करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लेवल नेम यहाँ पे रहेगा, कौन सा लेवल चल रहा है, ये बटन आएगा टारगेट के साथ हीट करेगा बोल हमारा। और यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे आप लेजर यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप हिंट यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन हमने दे के रखी है, ये इतने डायमंड यहाँ पर है। चलिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डायमंड है, यहाँ पे हिंट है, इसको क्लिक करने पर इसको हिंट मिलेगी कि किस तरफ इसको जाना चाहिए बोल। चलिए मैं इसे फिर से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ही ये हिंट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक हिंट मिलेगी कि यहाँ बोल और इस तरफ जानी चाहिए, ये इसकी हिंट रहेगी, ठीक है। अगर ये लेजर के ऊपर क्लिक करता है यहाँ पर, तो जैसे ही इसको चेंज करेगा लेजर लाइट जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये अगर इस तरफ करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि लेजर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये सही रास्ता है। तो इसका इस्तेमाल ये है, और यहाँ पर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे के रखी है। अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको पूछा जाएगा कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखने पर आपको टाइम अलग से मिल जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पर एक वीडियो ओपन हो जाएगा, वीडियो क्लोज करेगा उसको अलग से 10 सेकंड और टाइम मिल जाएगा। फिर से एक बार अगर वो वीडियो देखेगा तो 10 सेकंड और टाइम मिल जाएगा उसको। तो जितनी बार वो वीडियो देखेगा उतना आपको बेनिफिट है, क्योंकि उतना अर्निंग आपको होने वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सब कुछ करना मुश्किल नहीं है, क्या बताइए? अब तक जो गेम बनी है वो मुश्किल है नहीं है ना? तो वे ठीक है, मुझ पे भरोसा कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।